मांधाता विधानसभा क्षेत्र में अब जुबानी सरगर्मियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की किल्लोद में हुई आम सभा में मंच से भाजपा नेता मंगल यादव खंडवा द्वारा पूर्व विधायक राजू नारायण सिंह को लेकर दिए गए बयान में मांधाता की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने मुद्दा बनाकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व विधायक राज नारायण सिंह ने SDM पुनासा को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक राज नारायण सिंह ने बताया कि मेरे मित्र के बेटे मंगल पहलवान ने 27 अक्टूबर को किल्लोद में CM की सभा मंच से मेरे खिलाफ अर्नगल बयानबाजी कर मुझे खंडवा में उठवा लेने की धमकी दी और देख लूंगा जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी संबंध में आज हमने SDM पुनासा को ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की है। मुंदे से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। गांजी महाराज के आशीष, गांजी महाराज के कारण तो जो है उसकी बुद्धि खराब हुई और उसने इस्तीफा दिया। गांजी महाराज की तो कृपा है, और आप इलेक्शन को जरा समझने की तो कोशिश करो, जनता में जाके तो देखो। ये पहली वक्त ऐसा लग रहा है कि पहली वक्त जनता चुनाव लड़ रही है, और वो तो क्या है उनके पास में सिवा, आप ये बताओ, शिवराज सिंह जी पुनासा आ गए, शिवराज सिंह जी बूंदी आ गए, शिवराज सिंह जी आज सुलगांव आ गए, शिवराज सिंह जी जो है सॉरी किल्लोद आ गए, और पांचवी वक्त ओंकार महाराज आने वाले हैं। मध्य प्रदेश का मुखिया एक उपचुनाव में पांच पांच जगह आ रहा है, एक ही क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र में। अब यहाँ पे क्या है कि भाई ना तो हमारे पास सत्ता दिल्ली में है ना भोपाल में है, हमारे पास तो छोटे छोटे हमारे कार्यकर्ताओं की फौज पलटन है, अंग्रेज हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ नेता उनका साथ है, और हम दो बाप बेटे जो है मैदान में घूम रहे हैं, क्या समझे। अच्छा, वहाँ तो बाहुबल धन बल, यानी मैं आपकी TV के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें एक बिंदु ये भी है कि हजार हजार नोट के लिफाफे बट रहे हैं, निर्वाचन आयोग की जवाबदारी है कि इनको पकड़े, शराब बट रही उसको पकड़े, इस तरह और लोगों को धोख दी जा रही है, भय व्याप्त तो हो रहा है। जो राजनारायण सिंह के खिलाफ मैं ये बात बोल सकते हैं कि राजनारायण सिंह को उठवा देंगे, राजनारायण सिंह खंडवा में रहते हैं, राजनारायण सिंह की ईंट से ईंट बजा देंगे, तो वो आप इससे अंदाज लगाओ कि वो आम जनता के साथ क्या करेंगे। और अभी तो चुनाव में कुछ हुआ ही नहीं है, उसके पहले जब ये हालत है तो आगे क्या होगा ये सोचने की ज़रूरत है। इसलिए आपके माध्यम से निर्वाचन आयोग को डबल कहना चाहता हूँ कि इसको सख्ती से देखा जाए। अभी भी हमने तो ये कहा, उन्होंने आश्वस्त कराया हमको कि भाई उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध जो हम सुनिश्चित करेंगे, और अपराध पंजीबद्ध उन्होंने सुनिश्चित नहीं कराना तो फिर जो है मामला बहुत बढ़ेगा, फिर हम जो है ना कोई पीछे हटने वाले लोग नहीं, हम तो गांधीवादी लोग हैं, बात के पक्के लोग हैं, इसलिए हमने आज ये ज्ञापन दिया है। और पूरे मांधाता के इलेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए या लोगों में भय का वातावरण पैदा करने के लिए बहुत ही अनर्गल बयानबाजी उनके द्वारा की गई, जिसकी शिकायत हमने ऑब्जर्वर को दी है, कलेक्टर को दी है, SP को दी है, और अभी निर्वाचन अधिकारी जो SDM यहाँ के हैं उनको भी हमने एक ज्ञापन दिया है, और उनसे ये कहा है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, क्योंकि ये जिस तरह की बयानबाजी करके पूरे इलेक्शन को खराब करने का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का मांधाता है। सर, मुख्यमंत्री का चौथी पांचवी बार दौरा लग रहा है, आप किसको किस प्रयोजन से ले, आप खुद ही समझ जाओ। प्रदेश प्रदेश का मुख्यमंत्री पांच बार क्यों आ रहा है मांधाता में, क्योंकि मांधाता में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भयानक खराब है, इसी वजह से बार बार घबरा घबरा के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, 200 की मीटिंग भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आके ले रहे हैं, पांच बार यहाँ पर आ चुके हैं, अभी और पता चला कि 1 तारीख को भी पधारने वाले हैं। तो ये चुनाव जनता का चुनाव है, मांधाता की जनता इस चुनाव में भाग ले रही है, और ये जो खरीफ फरोख जिस तरह की है, जिस तरह से जनता को धोखा दिया गया यहाँ के पूर्व विधायक ने, ये स्पष्ट करता है कि मांधाता में हम जीतेंगे और पुनः सरकार। सर, नरोत्तम मिश्रा जी का बयान है कि हमारे पास 114-115 लोग हो गए, तब आपकी कांग्रेसी सरकार की क्या स्थिति लग रही है मध्य प्रदेश में? हम भी बढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, सारी 28 सीटें कांग्रेस जीत रही है, इसीलिए भाषा में इतनी घबराहट है, इसीलिए कांग्रेस के कुछ विधायकों के साथ खरीद फरोख की योजना अभी भी जारी है। नहीं, वो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 115 विधायक ऑलरेडी हैं। 10 के बाद तय होगा, चुनाव का नतीजा आने दीजिए। भाई साहब, नारायण पटेल कहते हैं कि मेरा प्रमाण पत्र जनता के हाथ में है, मैं टिकाऊ हूँ या बिकाऊ हूँ, कांग्रेस के पास में तो बोले ये एक बोगस नारा है जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है। ये भी 3 को तय हो जाएगा, आप बिक गए हो तो पूरे देश जानता है, पूरा प्रदेश जान रहा है, पूरी मांधाता के वोटर जानता है इस बात को,
आपको क्या तकलीफ थी कांग्रेस में जो आप जो है यहाँ छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए? तो स्पष्ट है कि आपने खुद भी बिक गया और हमारी जनता को भी आपने बेच दिया, यहाँ के वोटर को भी बेच दिया। दादा आपने बयान दिया था कि नारायण पटेल सिंगा जी महाराज की कसम खा ले, लेकिन उन्हें अभी तक कसम नहीं खाई है दादा। ये तो भैया उनसे ही पूछो आप, मेरी बात सुनो। यहाँ तो राजनारायण सिंह जो बोलते हैं वो करते हैं। क्या वो ऐसा है, वो कुछ कमी बीसी थी तो वो जिस पार्टी में चले गए वहाँ तो पूरा झूठ का ही पुलंदा है। जब खजाने में झूठ बिकी तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।